हे एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आज आपका फॉरेस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। ठीक है, जैसे आपने सुना ही है परिवहन निगम की बसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। वैसे ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, हम लोग स्पेशली बायो में बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस में बात कर रहे हैं, तो बहुत नेसेसरी प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स में और नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम एनिमल्स। तो प्लांट्स में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होनी क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपके खुद भी सोचो ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होगा। रूट से किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, पानी का। और जो लीफ में खाना बन रहा है उससे किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो खाने का होगा। ठीक है, तो इसके लिए दो टिश्यू काम आते हैं, उनको कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। अब टिश्यू स्पेशली क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू विच आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, कि कोई भी ग्रुप सेल के ग्रुप को चार पांच सेल मिला दो आप, वो कुछ एक काम कर रहे होंगे, कोई एक काम कर रहे होंगे या ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज कहते हैं। अब वस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे प्लांट्स में दो टाइप के। ठीक है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अभी था, अब क्या, अभी समझ में आ गया कौन कौन ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट में जैसे आप सोच लो, एक ये बस काम करेगी, एक ये बस काम करेगी। ठीक है, अब जो ये वाली बस होती है, ये बस पानी ले जाने का काम करती है रूट से और शूट तक, मतलब ऊपर टिप तक। तो ये बस क्या काम करेगी, आपको वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगी और वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी करेगी। और इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, वो होता है अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब पानी सिर्फ ऐसे ही जाएगा रूट से ऊपर तक। ठीक है, अब आया फ्लोएम की बारी। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, और फूड के साथ साथ क्या, कुछ हार्मोन। ठीक है, और ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब हार्मोन्स क्या चीज हुई, जैसे हमारी बॉडीज में हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के भी कुछ हार्मोन होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ ऑक्सिन्स का, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जो हार्मोन्स ऑक्सिन है वो किस में पाया जाता है, सूरजमुखी में, सनफ्लावर में। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है, जो क्या करता है, जैसे ही सूरजमुखी उसके सामने आता है, मतलब सूरज सामने आता है, वो उसके साइड उसका मुंह हो जाता है। ठीक है, तो वो हार्मोन्स है। अभी इतना आपको समझ में आ गया, हमारे पास जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम पानी ले जाएगा, फ्लोएम खाना ले जाएगा। ठीक है, अब जाइलम होती क्या है, जाइलम क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है, जैसे आपके घर में नल का पाइप होगा ना, वैसी एक पाइप है जो क्या ले जाता है, पानी ले जाता है। ठीक है, अब वो स्पेशली डेड होता है, क्या होता है, जाइलम डेड होता है। बट जो फ्लोएम है वो भी वैसा ही एक पाइप है, बट वो लिविंग होता है, क्या होता है, लिविंग होता है। ठीक है, अब लिविंग के साथ साथ हम जानेंगे जो ये पाइप है वो किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो जो पाइप है वो, उसकी जो लेयर है वो किससे बनी हुई होती है, जो इसकी लेयर होती है वो बनी होती है सेलुलोज से और लिग्निन से। ठीक है, सेलुलोज से और लिग्निन से, बट इसकी सिर्फ किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से। ठीक है, अब लिग्निन क्या प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी प्लांट को, स्ट्रेट खड़ा होने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, पहला काम। दूसरा काम, पानी को ले, मतलब जो जाइलम होता है उससे बना हुआ होता है। और तीसरा काम, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ, जो वुडी होती है ना, जो वुड होती है हमारी, ऑलमोस्ट 99% हम बोल सकते हैं वो लिग्निन की बनी हुई होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये तो हो गया, जो जाइलम है वो सब में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम भी सब में प्रेजेंट होता है, बट जाइलम, एक जाइलम साथ एक और चीज होती है, ट्रैकेट्स। ठीक है, ट्रैकेट्स क्या करता है, ट्रैकेट्स भी जाइलम का जैसे काम करता है, बट वो किस में प्रेजेंट होता है, जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें फूल कभी नहीं आते हैं। अब देखो, आप फूल किन में नहीं आते हैं, उनमें ट्रैकेट्स काम करते हैं पानी ले जाने का, रूट से और ऊपर शूट तक। ठीक है, तो ट्रैकेट्स। ठीक है, अब आपके सामने, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे जाइलम का शेप कैसा, जाइलम करता कैसा काम है। अगर आपके पास ये प्लांट है, ये प्लांट का पत्ते है। ठीक है, अभी आपके पास कोई प्लांट है, इसकी रूट है, रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स क्या करते हैं, जो मिट्टी में पानी है उसको क्या करते हैं,
अपने पास लेते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू? अब हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, मूवमेंट ऑफ गैस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि रूट मिट्टी से रूट में पानी कैसे जाएगा। अब जो ये रूट है इसमें सेल्स प्रेजेंट होती है, इन सेल्स में किससे हो जाता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है, वही है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, बट यहाँ पे कौन यूज होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होगी। क्या होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सोचो कि सेल है, सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, तो वो हर चीज को अंदर नहीं जाने देती है, तो जो उसकी यूज की चीज होगी सिर्फ उसी को जाने देगी, उसको ही बोलते हैं सेमी परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं, सेमी परमेबिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, इसके थ्रू ऐसे करके क्या होंगे, यहाँ पे जाइलम होगा और जाइलम में क्या जाएगी, हमारा पानी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये तो था जाइलम की प्रोसेस। अब जाइलम से तो जाएगा ही पानी ऊपर चले गया, अब ये क्या करता है, रूट एक प्रेशर लगा, जिससे क्या होगा पानी, क्योंकि अब यहाँ पे ज्यादा पानी हो गया फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे करके रूट प्रेशर बोलते हैं उसको, जिससे कारण क्या होगा पानी ऊपर जाता है। पर जो हमारे बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें पानी ऊपर कैसे जाएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, जन्म लग जाएगा, है ना, यहाँ से पानी डाला और वो 2-3 साल बाद पहुंच रहा है ऊपर, तो प्लांट ही खराब हो जाएगा। उसमें क्या होता है, यहाँ पे बनता है आपका ट्रांसक्रिप्शन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन पुल। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, वो ध्यान रखना, ये है ट्रांसपीरेशन। अब देखो ट्रांसपीरेशन हुआ क्या, ट्रांसपीरेशन पुल बनता कैसे है, हमारे प्लांट में जो हमारे लीफ होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टोमेटा ओपन होते हैं किस टाइम पे, डे टाइम पे, डे टाइम पे ये ओपन हो गए। अब डे टाइम पे ओपन होने के बाद क्या होता है, ये पानी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब पानी रिलीज होगा मतलब पानी क्या होगा, निकलेगा, और वो पानी क्या होता है, इवोपरेट होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, इवोपरेट होता है। अब इवोपरेट होएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कमी आ जाएगी, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, याद रखना, पेपर में आता है कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो जो पानी का लॉस हो रहा है प्लांट से और क्यों हो रहा है, अभी जानेंगे व्हाई द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हेल्प। ठीक है, कि क्यों होती है, वो हैपन ही क्यों होती है वो प्रोसेस। ठीक है, तो वो क्यों होती है देखते हैं। जो ट्रांसपीरेशन होता है वो होता है प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन के लिए। आप टेम्परेचर मेंटेन मतलब जैसे गर्मियों में क्या होता है, हमें गर्मी लगती है, बॉडी क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है। सिमिलरली प्लांट क्या करता है, वाटर को क्या करता है, रिलीज, ये सोचे चलो रिलीज करता है। अब पोर्स ओपन हो गए तो वहां से क्या होगा, सन के थ्रू इवेपोरेशन होगा, गर्मी से इवेपोरेशन होगा, जिस कारण उस पत्ते में नमी आ जाएगी। अब नमी होने के कारण क्या हो जाएगा, प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस होती है किसकी, ट्रांसपीरेशन की। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ट्रांसपीरेशन हो गया। अब क्या होगा, जिस कारण यहाँ की पानी की क्या हो जाएगी, यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब लेस हो जाने के कारण यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, लेस कंसंट्रेशन बनेगी। क्या बनेगी, लेस कंसंट्रेशन बनेगी। ठीक है, लेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब लेस कंसंट्रेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पानी की कमी आ गई, तो यहाँ पे पानी की कमी क्या करेगी, जो ये जाइलम होगा यहाँ पे बना हुआ, उस जाइलम को, क्योंकि पानी नीचे से तो रूट से तो प्रेशर लग ही रहा है, साथ में ऊपर से ये जो कंसंट्रेशन कमी आई वहां से, वो भी क्या करेगा, उसको खींचेगा, उसको खींचेगा, जिस कारण क्या होगा, पानी जल्दी ऊपर आ जाएगा। पहले तो सिर्फ एक ही जगह से फोर्स लग रहा था, अब ऊपर से भी उसी चीज को लाने के लिए फोर्स लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पानी जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं इसको, कि एक पुल टाइप का फॉर्म हो गया है बीच में, जहां से पानी जल्दी से ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रोसेस थी आपकी जाइलम की। ठीक है, अब जाइलम की बात पढ़ेंगे हम लोग फ्लोएम के बारे में। याद रखना, जाइलम डेड है तो इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा, ना न्यूक्लियस, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जाइलम क्या है, डेड टिश्यू है हमारे पास। ठीक है, अब आएगा हमारे पास फ्लोएम की बारी। ठीक है, तो फ्लोएम क्या काम करती है, खाना पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, फ्लोएम, जो फ्लोएम है वो एक जगह से दूसरी जगह खाना पहुंचा रही है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं,
ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, ट्रांसलोकेशन। अब देखो ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, पत्तों में क्या बनेगा, खाना बनेगा, पेड़ बनाते हैं फिर से एक और, ठीक है, ये पेड़ है सपोज दैट, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये तो जाइलम जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये एक ही बहुत सारी जाइलम होंगी, ठीक है, ये जाइलम जा रहा है, अब ये पत्ता है एक, ठीक है, यहाँ पे खाना बन गया इस पत्ते में, ठीक है, इस पत्ते में खाना बन गया। अब वो खाना क्या करेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में होगा। अभी ग्लूकोज चेंज किसमें होगी, सुक्रोज में चेंज होती है, दोनों पे दोनों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स हैं, ठीक है, सुक्रोज में चेंज होगा। तो अब क्या होगा, सुक्रोज में चेंज हुआ तो ये फ्लोएम भी, क्या सोचो, एक ट्यूब है, फ्लोएम की ये वाली ट्यूब है, ठीक है, ये फ्लोएम की ट्यूब है, तो दूसरे कलर से बना के देखते हैं, जाइलम की सिर्फ एक ही बनाते हैं, फ्लोएम की बना देते हैं एक बार, तो ये फ्लोएम की ट्यूब है, ठीक है, अभी फ्लोएम की ट्यूब है, क्या करेगी, ये खाना पत्तों से नीचे पहुंचाएगी, बट होता क्या है कि अब एकदम तो जाएगा नहीं, क्योंकि खाना तो बिल्कुल वैसे नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, सूखा सा खाना होगा, तो नीचे जाने में बहुत दिक्कत करेगा। तो क्या होता है, इस जाइलम के थ्रू, जो जाइलम है ये, इसके थ्रू यहाँ नीचे पानी आ जाता है, सपोज ये जाइलम था, ये फ्लोएम है, इसके थ्रू यहाँ पे पानी आएगा, ये डिजोल्व हो जाएगी, फिर जो सुक्रोस है वो डिजोल्व हो जाएगा, जो सुक्रोस है वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होने के बाद क्या हो जाएगा, वो रूट तक भी जाएगा, बाकी अगर कहीं ब्रांचेस हैं वहां पे भी पहुंचेगा, और साथ में ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ये था जाइलम के बारे में। अब हमने देखा फ्लोएम किस चीज से बन के मिलके बना होता है, सीव ट्यूब से मिलके बना होता है, SIEV, सीव ट्यूब से मिलके बना हुआ होता है, और साथ में ये किसी से, जो कि सीव ट्यूब होती है उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, हमने देखा था अभी जो फ्लोएम है वो लिविंग है, बट जो सीव ट्यूब है उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो अदर रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इसकी मदद कौन करता है, कंपेनियन सेल उसको मदद करती है, ठीक है, कंपेनियन सेल क्या करती है, इसकी मदद करती है। तो कंपेनियन सेल कैसे लगी होती है, अगर ये आपके पास फ्लोएम है तो ये बाहर से कंपेनियन सेल इसकी लगी हुई होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अब हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।